तमिलनाडु भारत की समृद्धि और सांस्कृतिक परिविरासत का प्रतिबिंब है। मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूं तो तमिलनाडु की चर्चा किए बिना रह नहीं पाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर रहे थे। इस साल लोकसभा चुनाव से पहले पीएम ने यहाँ कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया, कुछ नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इन परियोजनाओं की कुल लागत तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। वहीं सीएम एमके स्टालिन के साथ मंच साझा करते हुए पीएम ने सांस्कृतिक प्रेरणा के लिए तमिलनाडु की सराहना की। डीएमडी के संस्थापक और जाने माने एक्टर विजयकांत को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने उन्हें राष्ट्रहित के प्रति समर्पित रहने के साथ न केवल सिनेमा बल्कि राजनीति का भी कप्तान बताया। एमके स्टालिन द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम यानी डीएमके का नेतृत्व करते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया का वह प्रमुख चेहरा है। इस साल लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी से मुकाबला करने के लिए ये गठबंधन कमर कस चुका है। स्टालिन की मौजूदगी में विजयकांत पर राष्ट्रहित वाला बयान देकर पीएम ने दक्षिण की राजनीति को साधने की भरपूर कोशिश की। दक्षिण भारत में बीजेपी अपनी उपस्थिति को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करने में जुटी है। बता दें कि प्रधानमंत्री तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहे। उन्होंने लगभग 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। त्रिची हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल को हरी झंडी दिखाई। इसके पहले बाद तिरुचिरापल्ली के भारतीदासन विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दोनों कार्यक्रमों में उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ मंच साझा किया। चेन्नई और दक्षिणी तमिलनाडु में हाल ही की भारी बारिश, बाढ़ और उसके परिणाम स्वरूप हुए जानमाल के नुकसान की पृष्ठभूमि में मोदी के इस दौरे के काफी मायने निकाले जा रहे हैं। उत्तर भारत में तो बीजेपी की पकड़ मजबूत है ही, लेकिन दक्षिण में अभी वह उस स्थिति में नहीं है। वह दक्षिण में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है। पीएम ने कहा है कि केंद्र राज्य को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। हालांकि स्टालिन ने उनसे भारी बारिश, जल प्रलय और को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित करने और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में राज्य को उचित धन जारी करने का आग्रह किया। वहीं पीएम मोदी ने राज्य की राजधानी चेन्नई से करीब 300 किलोमीटर दूर मध्य तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में 20 परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया, उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। इससे पहले उन्होंने भारतीदास विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करते हुए पीएम ने कहा कि हमारा प्रयास देश के विकास में तमिलनाडु से मिली सांस्कृतिक प्रेरणा का लगातार विस्तार करना है। दिल्ली के नए संसद भवन में पवित्र सेंगोल स्थापित किए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये तमिल संस्कृति की ओर से पूरे देश को दिए गए सुशासन के मॉडल से उपजी एक प्रेरणा है। पीएम ने कहा कि अगले 25 साल के लिए आजादी का अमृतकाल भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों आयाम हैं। भारत को तमिलनाडु की जीवन संस्कृति और विरासत पर गर्व है। अतीत में राज्य के सार्वजनिक कार्यक्रमों में ज्यादातर मौकों पर अंग्रेजी में बोलने वाले मोदी ने मंगलवार को हिंदी में भी बात की। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने राज्य में पिछले महीने हुई भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का जिक्र किया। पीएम बोले कि केंद्र सरकार संकट की इस घड़ी में तमिलनाडु के लोगों के साथ खड़ी है। हम राज्य सरकार को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। वही पीएम ने आगे कहा कि 2014 से पहले के दशक में राज्यों को 30 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे, जबकि पिछले 10 सालों में राज्यों को 120 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। तमिलनाडु को भी 2014 से पहले के 10 सालों की तुलना में इस अवधि में 2.5 गुना अधिक धन मिला है। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए राज्य में 3 गुना से अधिक और रेलवे क्षेत्र में 2.5 गुना से अधिक धन खर्च दिया गया है। वीडियो डेस्क, एनडीटी ऑनलाइन।